यूपी की चंदौली पुलिस न सिर्फ अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है बल्कि टूटते रिश्तों को भी बचा रही है। जी हाँ, चंदौली के डिप्टी एसपी ने एक टूटते हुए परिवार को एक कर दिया। गौरतलब है कि आपसी विवाद के चलते दो परिवारों में फूट पड़ गई थी और पिछले 7 सालों से वो अलग रह रहे थे। नौबत तो यहाँ तक आ गई कि मामला तलाक और कोर्ट कचहरी तक पहुँचने वाला था। दोनों परिवारों ने एक दूसरे के खिलाफ लिखित शिकायत भी दर्ज कर रखी थी, लेकिन डिप्टी एसपी त्रिपुरारी पांडे ने दोनों परिवारों को बुलाकर उनकी काउंसलिंग की और दोनों परिवारों के बीच सुलह करवा दी। जनपद चंदौली के थाना मुगलसराय क्षेत्र में महमूदपुर के रहने वाले अमानतुल्लाह और अशफाक अहमद, जिसकी कि एक दोनों की शादी एक दूसरे की बहन से हुई थी और करीब 8 वर्ष पूर्व शादी हुई थी, इनका आपसी अनबन हो गया था, जिसमें से एक के पास 3 बेटियां हैं और एक के पास एक पुत्र है। दोनों की दरखास्त पड़ी, दोनों के परिवार को बुलाया गया और समझा बुझा करके उसमें से एक परिवार ने एक तलाक दे भी चुका था, लेकिन आज मौलाना जी को भी बुलवाया गया और इनके बारे में समझ करके इनको दोनों परिवारों को एकत्रित करा करके रजा खुशी मंदी से इनको पुनः इनके घर भेजा गया। दरअसल कुछ साल पहले दो युवकों ने एक दूसरे की बहन से शादी की थी, लेकिन पारिवारिक विवादों के चलते एक युवक ने अपनी पत्नी को मायके छोड़ दिया था। ऐसी बात से गुस्सा होकर दूसरे युवक ने भी अपनी पत्नी को उसके मायके भेज दिया। दोनों परिवारों के बीच तनातनी इतनी बढ़ गई कि कोई भी झुकने को तैयार नहीं था और इसका खामियाजा बेचारी महिलाओं को भुगतना पड़ रहा था। पहले तो समाज के लोगों ने दोनों परिवारों को मिलाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन जब इसका कोई फायदा नहीं हुआ तो हालात बद से बदतर होते गए। ये मियां बीवी के बीच में 7-8 साल से एक तनाव चल रहा था। लड़के ने एक तलाक दे दिया था और काफ़ी गंभीर मामला हो चुका था और हमारे CO सदर त्रिपुरारी पांडे जी की मेहनत रंग लाई और मैं उस वक्त भावुक हो गया जब मासूम बच्चों को देखा मैंने। अल्लाह CO साहब की उम्र में बरकत दे, इन्होंने बड़ी मेहनत करके दोनों परिवार को मिलाया है और आज उनका दोबारा निकाह हुआ है और मैंने निकाह पढ़ाया। 2 गवाह और 1 वकालत और CO साहब की मौजूदगी, राणा साहब और जनाब कयामुद्दीन साहब, सरवर साहब, वसीम साहब और गांव नाथूपुर के प्रधान और तमाम। दो जोड़े थे जी, एक जोड़ा में मामला ये हुआ कि दोनों जोड़े में आपस में शादी हुई थी गुलावट की, तो एक जोड़ा ने तो एक तलाक दे दिया लेकिन दूसरे ने तलाक नहीं दिया था, बस दूरी बनाए हुआ था कि जब तक ये हमारी बहन से शादी नहीं करेगा हम उसकी बहन को नहीं ले जाएंगे। शादी हो गई, वो उसकी बहन को ले गए, वो उसकी बहन को ले गए। लेकिन जब डिप्टी एसपी त्रिपुरारी पांडे को इस बात की जानकारी मिली तो इन्होंने पूरे मामले की गंभीरता को समझते हुए दोनों पक्षों को अपने पास बुलाया और उनसे बात की। काफी मशक्कत के बाद दोनों में सुलह करवाई गई और मामला ठीक हो गया। इतना ही नहीं, डिप्टी एसपी त्रिपुरारी पांडे ने दोनों परिवारों को बकायदा कुरान की आयतें भी सुनाई और कुरान में लिखे संदेशों को समझने और उस पर अमल करने की नसीहत भी दी। त्रिपुरारी पांडे की इस पहल के बदौलत सब कुछ ठीक हो गया और थाना परिसर में कुरान की आयतों के साथ सब कुछ ठीक हो गया। दोनों परिवार पुलिस को धन्यवाद देते हुए खुशी खुशी घर लौट गए।